बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक राजा था जिसका नाम विक्रम था। राजा विक्रम ने अपने राज्य को बहुत सुंदर बनाया हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक आतंक छा गया था। उसके राज्य को एक जादुई असलिया चिराग की खोज थी जिससे उसे अमर शांति मिल सकती थी। राजा विक्रम ने अपने दरबार में एक विशेष राजदूत को चुना जो इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए नियुक्त हुआ। राजदूत का नाम था अर्जुन। अर्जुन ने राजा के सामने खड़ा होकर कहा, मेरे हाथों में जादुई शक्ति है और मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन को राजा ने एक राजमहल में बुलाया और उसे बताया कि वह चिराग को कैसे ढूंढ सकता है। राजा ने कहा, तू 4 दिनों में इस जादुई चिराग को ढूंढ कर लाएगा तो तुझे मेरे सामने बड़ा बेल बूटे दिखाने का अधिकार होगा, लेकिन ध्यान रख, रास्ते में कई कठिनाइयां हो सकती हैं। अर्जुन ने राजा से आशीर्वाद लेकर राजमहल से निकला। पहले दिन उसने एक रंगीन जंगल में पहुंचते ही एक विशाल उड़ते तितली को देखा। उसने सोचा, शायद इस तितली के साथ मेरा मार्ग सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने तितली से मित्रता करते हुए अपना रास्ता जारी रखा। दूसरे दिन उसने एक गहरे नदी के किनारे एक पुराने बूट को देखा। बूट ने अर्जुन से कहा, तू मुझे पानी में ले जा, मैं तुझे एक राजदूत के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दूंगा। अर्जुन ने बूट की सुनी और उसे नदी में ले जाकर सुना। बूट ने उसे बताया कि राजदूत एक जादुई तालाब से गुजरेगा जिसका रास्ता यहीं से होगा। तीसरे दिन अर्जुन ने जादुई तालाब के पास पहुंचते ही देखा कि वहां एक राक्षस राजा बैठा हुआ था। राक्षस ने अर्जुन को पकड़ लिया और कहा, तू मेरे राजदूत को छोड़कर नहीं जा सकता। अर्जुन ने बहादुरी से कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, बस मुझे राजा विक्रम तक पहुंचने दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। राक्षस ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू मेरे लिए एक रहस्यमयी चीज लाएगा तो मैं तुझे जाने दूंगा। अर्जुन ने सहमति दी और राक्षस के लिए वह चीज लाने का निर्णय किया। अर्जुन ने राक्षस के साथ चलते हुए एक विशाल जंगल में एक राजा की कवच में बंदी एक सुंदर रानी को देखा। राक्षस ने कहा, तू मेरे लिए इस रानी को ला, तब मैं तुझे छोड़ दूंगा। अर्जुन ने रानी से मिलकर उसे बातचीत के दौरान उसकी कहानी सुनी और उसे बचाने का निर्णय किया। अर्जुन ने रानी को साथ लेकर राक्षस के सामने पहुंचा और उसने कहा, मैं तुम्हें इस रानी के साथ छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अब राजा विक्रम के पास चले जाना चाहिए। राक्षस ने आशीर्वाद देकर रानी के साथ राजा विक्रम के पास चला गया। राजा ने देखा कि अर्जुन ने रानी को बचा लिया है और उसने राक्षस को आशीर्वाद दिया। राजा विक्रम ने रानी को धन्यवाद दिया और अर्जुन को बड़ा बेलबूट दिखाने का अधिकार दिया। अर्जुन ने बेलबूट लेकर राजा के सामने पहुंचा और बोला, यह बेलबूट आपके लिए है राजा विक्रम, इसमें जादुई शक्ति है जो आपको अमर शांति देगी। राजा ने बेलबूट को देखा और उसे खोलते ही जादुई रोशनी चमकी। सभी लोग हैरान हो गए और राजा विक्रम ने आभूषणों में सजे हुए इस जादू की शक्ति का आनंद उठाया। इस प्रकार राजा विक्रम ने अपने राज्य को शांति और सुख के साथ संचालित किया और उसका यह अनुपम चिराग हमेशा सुरक्षित रहा। राजदूत अर्जुन की बहादुरी और साहस ने उसे इस सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया।